The Ideal Concept. तो हमने इससे पहले वाले वीडियो में क्या कहा कि सारे पिरासी डिग्री को मानक या मुद्दा माना गया। किस देश का? इंडिया का, अपने भारत का, जिस देश के हम वासी हैं, वहां का मानक या मुद्दा एकदम सरल तरीके से मैंने बताया है। और मैं पूरा विश्वास है मुझे कि आप लोगों को अच्छी तरह से यह समझ में आ गया होगा कि सारे पिरासी डिग्री को ही मानक भारत का मानक या मुद्दा क्यों कहा है। अब जब सारे पिरासी डिग्री पर यह भारत का मानक या मुद्दा तो कहां पर है? भारत में या लंदन में? तो मैंने कहा कि ग्रीनविच से लिया गया, भारत में कहां से लिया गया? यह जो सारे पिरासी डिग्री, यह जो सारे पिरासी डिग्री जो मानक या मुद्दा लिया गया, 82 डिग्री 5 मिनट, 82 डिग्री, तो इसे जो मानक या मुद्दा माना गया कहां से लिया गया? या यहां से जब इसकी 0 डिग्री से जब मापा गया तो यह जो आया मिलन जो हुआ कहां? इलाहाबाद। किस राज्य में पड़ता है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का जो इलाहाबाद शहर है उस वहां पर, ऐसे तो मिर्जापुर का भी नाम आता है, लेकिन जो मिर्जापुर का भी नाम है लेकिन जो सटीक जगह है वह है इलाहाबाद का नैनी। एक चीज और, इतिहास की जानकारी आप यहां से ले सकते हैं। सबसे पहला बार जो भारत में हवाई जहाज चला गया था वह कहां से चला गया था? नैनी से इलाहाबाद। तो दो चीज की जानकारी आपको मिल गई कि यह 82 डिग्री कहां पर आ गया? उत्तर प्रदेश राज्य का नैनी जो है वह सटीक स्थान है जहां से पूरे भारत का जो समय है वह निर्धारित किया जाता है। यानी इस स्थान पर अगर दोपहर के 12 बजते हैं तो 4 AM भारत के पूर्वी क्षेत्र में हो, पश्चिमी क्षेत्र में हो, उत्तरी में हो या दक्षिणी में हो, पूरे भारत में एक साथ कितने बज रहे होते हैं? 12 बज रहे होते हैं। तो हमने जाना समय के बारे में। अब अगर कोई आदमी पूछ देता है कि भाई यहाँ जो सारे राशि आप अगर इतने अच्छे से इतनी चीजों की जानकारी रखते हैं, हो सकता है कहीं आपसे पूछ ले कि यह जो मानक नियम उत्तर है वह कितने राज्यों से गुजरी है? तो कितने राज्यों से गुजरी है? एक तो मैंने बताया कि यह उत्तर प्रदेश है, यह मध्य प्रदेश यहाँ से चला है, इस तरह से मध्य प्रदेश आया तो मध्य प्रदेश में भी है, यानी यूपी एमपी। उत्तर मध्य प्रदेश से एक राज्य अलग हुआ था छत्तीसगढ़, उसके बाद आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, यानी 5 राज्य से यह होकर के गुजरती है। कौन सा? भारत का मानक यह उत्तर 5 राज्य से होकर गुजरती है। यह चीज 9 क्लास में जानना नहीं है, लेकिन जान अगर हम और बेहतर तरीके से जानते हैं तो हमें आगे की पढ़ाई के लिए कठिनाइयों का सामना नहीं करना होता। तो यह हमने जाना देशांतर का प्रभाव। देशांतर का प्रभाव क्या होता है? पूरे समय पर इसका पड़ता है। और यह क्यों है? एक चीज मैंने छोड़ दिया कि आखिर 82 डिग्री को ही माना गया है तो क्यों माना गया? भारत का जो समय जो है वह 82 डिग्री को माना गया, क्यों माना गया, इसकी भी मैं जानकारी आप लोगों को दे देता हूं। मैंने कहा कि भारत का जो देशांतर रेखा है यानी भारत का जो मानक नियम उत्तर है वह 82 डिग्री पर, क्यों? यह अच्छे तरीके से हमने पिछले वाले वीडियो में जाना कि क्यों 82 डिग्री।
अब 5.5 घंटा आगे क्यों? यहीं से हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? तो मैंने अभी अभी बताया 82.5 डिग्री। मैंने अभी अभी बताया कि 1 डिग्री देशांतर को पार करने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। कैसे लगता है? मैंने वह भी बताया था कि 24 घंटे होते हैं, दिन और रात मिला करके उसको हमने क्या किया, उलट में कन्वर्ट किया, 360 डिग्री की पृथ्वी है, 360 से भाग दिया तो निकला कि 1 डिग्री को क्रॉस करने में कितना मिनट? 4 मिनट। भारत का मानक यह मतलब कितना लिया गया? 82.5 डिग्री। क्यों लिया गया यह भी मैंने बताया। अब 82.5 डिग्री को हम क्या करते हैं, मिनट से गुना करते हैं। कितना करेंगे? गुना की क्या होता है? यानी दशमलव है तो दशमलव के बाद शून्य अभी 330 मिनट। यहां 0 डिग्री, 82.5 डिग्री, 83.5 डिग्री कैसे आया यह मैंने पिछले वीडियो में बताया। अब 1 डिग्री को पार करने में 4 मिनट, 1 डिग्री को पार करने में कितना मिनट? 4 मिनट। तो 83.5 डिग्री को पार करने में कितने मिनट? तो 330 मिनट। अब 330 मिनट, तो भाई 330 मिनट को हम घंटा में बदलते हैं। तो 1 घंटा में कितना मिनट? तो 60 मिनट। तो 60 से भाग देंगे, क्या आता है? 6×5=30, यानी 60×5=300 से कितना आ गया? 30। यह हो गया घंटा और यह हो गया मिनट। एक घंटा में मिनट तो कितना आगे है? क्लियर? देखिए 5 घंटा 30 मिनट। तो ग्रीनविच से कितना आगे है, यह बिल्कुल समझने वाली बात है, एकदम आसानी से समझ जाएंगे कि भाई 82.5 डिग्री को हम भारत का मानक यह मतलब माना गया, 1 डिग्री देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता, 82.5 डिग्री को पार करने में कितना मिनट लगा? तो 330 मिनट। अब 330 मिनट को हमने क्या किया, घंटा में जैसे ही बदलेंगे तो 5×30 मिनट भाग दे दीजिए 60 से, घंटा और मिनट में आ गया, तो 5×30 मिनट। अब जो सवाल आपके किताब में है कि भारत का समय ग्रीनविच से कितना आगे है, तो सब आदमी जानते, सब जानते किताब में लिखा हुआ सर 5 घंटा आगे, क्यों? वो आप यहाँ से जवाब दीजिए क्यों। मैंने एक एक चीज को यहाँ तोड़ तोड़ के बताने की कोशिश किया। तो यहाँ तक क्लियर है हम लोग, भारत का समय 5.5 घंटा आ गया, लेकिन किससे आ गया? तो लंदन का जो यह ग्रीनविच क्षेत्र है, ग्रीनविच इससे 5.5 घंटा आगे है। अब यह देशांतर हो गया, अक्षांश हो गया, क्या प्रभाव पड़ते हैं यह जानकारी आपको मिल गया। अब इसके आगे थोड़ा सा और चर्चा करते हैं, भारत जो यह क्षेत्र, यह एक विशाल क्षेत्र देख रहे हैं, इसकी अगर कोई आदमी चौहत्ती पूछता है तो हम बड़े शौक से बोल देते हैं कि उत्तर में हिमालय है, दक्षिण में हिंद महासागर है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, पश्चिम में अरब सागर है। मैं अब यह हम लोग अब पहली से पांचवी कक्षा में नहीं, अब जैसे जैसे हमारा लेवल बढ़ते जाता है वैसे वैसे उसकी विस्तृत जानकारी रखनी होती है। अब हम इसकी चौहत्ती जो बताते हैं, सब विद्यार्थी क्या कीजिएगा, जो भूगोल पढ़ने वाले बच्चे हैं उनका मेरा एक संदेश है कि जब भी आप भूगोल को पढ़ते हैं मैप को अपने साथ रखें। मैप आप उसकी एक अलग से बुक आती है जिसका नाम है एटलस, बहुत तो समझने के लिए आप कोई भी कंपनी का एटलस लेकर के, और जब तक मानचित्र ना देखिएगा यह समझ में नहीं आता। देखिए मानचित्र पर पूरा क्लियर है, जैसे अगर कभी कभी क्या होता है कि कोई आदमी पूछ देता है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से गुजरी है, तो कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से गुजरी है, तो हम अगर मैप रखते हैं तो वहां से क्या होता है कि हमको राज्य समझने में आसानी होती है कि यह क्या है, यह गुजरात है,
गुजरात के बाद यहाँ से राजस्थान का जो क्षेत्र आता है यह ऐसे आता है। ऐसे आता है तो राजस्थान में भी राजस्थान है, यहाँ पर मध्य प्रदेश है, यहाँ पर छत्तीसगढ़ है मध्य प्रदेश के बाद, उसके बाद ये रांची यानी झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है, मिजोरम है। तो इस तरह से हमें वह जानने में बड़ी आसानी होती है कौन से शहर इसके निकट है। जैसे या जो मैंने बताया था इसके निकट दिया मैंने कुछ जो यह बताया था यह मैंने जो शहर दिया यह रांची है, कर्क रेखा पर स्थित है। तो ये सारे चीजों को आपको आपकी जानकारी आपको जो है सो होगा, उसके बाद कौन सा राज्य किधर से जुड़ा हुआ है इसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो बहुत सी चीज हमें नक्शे के माध्यम से बहुत सारे चीजों को समझने में, भूगोल समझने में बहुत ज्यादा जो दिक्कतें होती है वो सारी दिक्कत वहां से दूर हो जाती है। तो वहां पर कुछ लाइनों के बारे में दिया, लाइन के बारे में दिया हुआ है कि कौन से जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है, भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा है। तो देखते हैं भारत आजादी से पहले पाकिस्तान तक, पाकिस्तान तो भाई 14 अगस्त 1947 को अलग हुआ था भारत से, इससे पहले भारत का जो मैप था वो यहाँ पर था। तो उस समय आजादी से पहले जो भारत, आजादी से पहले जो भारत था उस भारत को अफगानिस्तान से केवल अलग हुआ। तो अफगानिस्तान को जो है भारत से अलग करने वाली रेखा का नाम था डुरंड रेखा, जो अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है, यानी यह जो रेखा है यह रेखा का नाम है डुरंड रेखा। अब किसके आजादी से पहले कौन सी रेखा भारत को अलग करता था, डुरंड रेखा अफगानिस्तान से करते थे। लेकिन अब यह डुरंड रेखा जो देश बना पाकिस्तान नया देश का जो भारत से उदय हुआ, तो डुरंड रेखा अब किस देश के बीच है, तो भारत और सॉरी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। लेकिन पाकिस्तान के बीच और भारत के बीच भी रेखा, तो एक यहां है और एक यहां, यानी चीन को भारत से अलग करने वाली और भारत को पाकिस्तान से अलग करने वाली। तो एक व्यक्ति थे सर जॉन रेडक्लिफ, तो उनके उन्होंने यह भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता में एक लाइन खींची थी, तो उन्हीं के नाम पर लाइन है, इसे रेडक्लिफ लाइन के नाम से जाना जाता है। इस लाइन को रेडक्लिफ लाइन, मैं इसको रेड कलर से ही कर देता हूँ समझने में आसानी होगी। इस लाइन को यानी भारत और पाकिस्तान को अलग करने वाली रेखा का नाम है रेडक्लिफ। अब भारत को चीन से अलग करने वाली, क्योंकि ध्यान देने योग्य बात है चीन का हिस्सा है यहाँ, ये नहीं, ये नेपाल, यानी भारत और नेपाल के बीच का भी यह लाइन है, इसका कोई नाम नहीं यहाँ भी नहीं है। लेकिन यह जो अरुणाचल प्रदेश का जो क्षेत्र है यहाँ तक ऐसे चीन आया, चीन एक विशाल देश है, चीन भारत से लगभग क्षेत्रफल की दृष्टि में मेरे ख्याल से शायद 3 गुना बड़ा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो यह जो लाइन है इस लाइन को मैनमोहन लाइन कहा जाता है। इस लाइन को अरुणाचल प्रदेश को की और चीन के बीच जो रेखाएं खींची हुई है, रेखा का मतलब यहाँ जो है जो सीमा या सीमा निर्धारित किया गया है। जैसे हम लोगों को एक जैसे घर होता है, तो घर में होता है कि हमारे यहाँ से हमारी जमीन और यहाँ से आपकी, तो एक लाइनें होती हैं, उसी लाइन का नाम है यहाँ पर यह मैकमोहन, इस लाइन का नाम है रेडक्लिफ, इस लाइन का नाम है डुरंड। इतने समझ गए।
इसके बाद देखते हैं हमारे पड़ोसी देश है उसका एक सम्मेलन है जिसको सार्क नाम दिया गया। सार्क इसमें सब देश आपस में एक मीटिंग करते हैं, अपने देश में जो भी चीज़ों की जरूरत होती है वह एक दूसरे से पहले देख लेते हैं। तो ये हो गया और मेरे ख्याल से भारत की स्थिति और विस्तार में कुछ छूटा नहीं है। और वैसे कहीं भी आप लोग को अगर दिक्कत होगी तो वह आप कमेंट करके भेज देंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि नौमा के बच्चे को आज का क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।